वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में, स्टे विद मी में। और ये जो वैकेंसी आ रखी भारतीय वायुसेना, जिसे आप इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जानते हैं, तो भारतीय सेना का एक अंग है भारतीय वायुसेना, तो इसमें जो है ना वैकेंसी आ रखी। और ये रैली भर्ती है। कैसी भर्ती? रैली। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म डालने पड़ेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, फिर ये दुनियादारी होगा, तब आपका ये सब सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं। इसमें आप डायरेक्ट रैली पॉइंट है जहाँ पर भर्ती हो रही है, आप सुबह सुबह अपने दस्तावेजों के साथ में पहुँच जाइएगा और वहाँ पर जो कराया जाए आप करिएगा, पास हो जाएंगे तो आपकी जो है ना नौकरी पक्की। तो ये देखो, डिटेल में देखेंगे इस वैकेंसी के बारे में, कैसे आपको कहाँ जाना है, किस डेट में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं। एक्चुअल में रैली भर्ती की ये होता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ ज़िले सेलेक्ट किए जाते हैं किसी स्टेट के, उस ज़िले के बच्चे जाके ये भर्ती देख सकते हैं, सारे लोग नहीं देख सकते। तो ये जो मोस्टली वैकेंसी है, ये वैकेंसी है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के बच्चों के लिए। और अगर आप सिक्किम के रहने वाले हैं तब भी इस वैकेंसी को देख सकते हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके किस डेट में किसे कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है, सबसे पहली बात कि अनमैरिड मेल इंडियन एंड नेपाली सिटीजन्स, मतलब कि अविवाहित पुरुष बच्चे, मतलब मेल कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा वेस्ट बंगाल के और सिक्किम स्टेट के बच्चे इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और ये वैकेंसी नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है। और देखो किस डेट पर जाना है आपको, दो डेटें हैं, एक 26 तारीख है, एक तारीख। आप अपने ज़िले के हिसाब से उस तारीख पे जाइएगा, 26 या एक तारीख को। तो 26 तारीख को आपको पहुंच जाना है, 10 AM का मतलब 10 बजे सुबह पहुंच जाना है। और 1 मार्च को सुबह पहुंच जाना कहाँ, 4 ASC नियर पलटा गेट, एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर, ठीक है। और 24 परगना नॉर्थ, वेस्ट बंगाल 743122, ठीक है। यहाँ पर आपको पहुँच जाना है और यहीं पर आपका सारा सिलेक्शन प्रोसीजर यहीं पर होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा अब हम और आगे देखते हैं। तो किस डेट में कहाँ कहाँ पर जाना है, देखो हुगली के बच्चों को, ईस्ट मिदनापुर के, झारग्राम के और पुरुलिया के और वेस्ट बुर्दवान के और वेस्ट बंगाल के, इतने डिस्ट्रिक्ट के बच्चे। और सिक्किम स्टेट के बच्चों को जाना है 26 तारीख को, ठीक है। तो वहीं पर आपका फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट वगैरह और एडेप्टबिलिटी टेस्ट 1 और 2 दोनों कंडक्ट करा दिए जाएंगे 26 और 27 तारीख। कुछ काम बनता है तो 28 तारीख को रिजर्व डे रखा है, इन दिनों ये काम करा लिया जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, ठीक है, नॉर्थ दीनापुर, साउथ दीनापुर, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ठीक है, और जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, ठीक है, एंड कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक। तो इतने डिस्ट्रिक्ट के जो मैंने नाम बताए, तो इन इतने डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जाएंगे 1 तारीख को, ठीक है। सुबह सुबह आप अपने सारे दस्तावेजों के साथ में, जैसे आपका निवास प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, सारी चीज़ें मैं नीचे वो भी बताऊँगा आपको, 1 तारीख को पहुँच जाना और वहाँ पर 3 तारीख तक आपका प्रोग्राम चल सकता है, ठीक है। अब देखो डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, 19 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आपकी उम्र सीमा पढ़नी चाहिए, ठीक है, और आपका 6-12 पास होने चाहिए, ठीक है, और जो है ना आपकी कम से कम 50% नंबर टोटल होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब मिनिमम 50% अंकों के साथ में आपको पास होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। और जो है ना सबसे पहली बात कि आपका जो है ना डोमिसिल रिक्वायरमेंट, जो आपका सर्टिफिकेट है, वो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटी है, जैसे DM हो गया, ठीक है, और जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र, जो भी तहसीलदार वगैरह बनवाते हैं, तो वहाँ से आप बनवा के ले जाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी निवास प्रमाण पत्र ही है। हालांकि हर चीज़ का अपना रिक्वायरमेंट है, तो लेकिन उसे ज़रूर लेके जाना। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, आपके सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जो ना वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, और हियरिंग आपकी, मतलब सुनने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए और 14 डेंटल पॉइंट आपके मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। आपकी हाइट देख लो 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी लेग लेंथ इतनी होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर, और आपकी जो है ना आई साइड अच्छी होनी चाहिए, ठीक, 6/12 और 6/6 आपकी आई साइड होनी चाहिए। कलर विजन आपका CP2 ग्रेड 2 का है, ठीक है। तो इस तरह आपकी कुछ मेडिकल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी, ठीक है। बॉडी टैटू के बारे में लिखा नॉट परमिटेड, मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम आपके काम की बात क्या हो सकती है।
अब देखो राइटिंग मटेरियल आपको लेके जाना, वहीं पर HB पेंसिल लेके जानी है, इरेजर, शार्पनर, गम, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी, जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा तभी लेके जरूर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि सब लेके चले जाओ, क्योंकि एक ही साथ ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली है। और अपनी फोटो का फोटो खिंचवा के ले जाइएगा, जो नहीं फोटोग्राफ कहते हो, तो फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट, हाथों में स्लेट ली हुई है जिसमें आपका नाम लिखा है और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखी हुई है कैपिटल लेटर में, ऐसी फोटो आपको लेके जानी है, कितनी 7 फोटो ऐसे लेके जानी है, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपकी कक्षा 10 की और सेल्फ अटेस्टेड कक्षा 12 की, और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आपको लेके जाने हैं, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू, अगर आप जो है ना ये आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है, और अगर आपने जो है ना NCC का सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि NCC वाले बच्चों को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। तो ये बात होगी, इतने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेके जाना है, ठीक है। तो आपका फिजिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट वहीं पर होगा, और इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम वगैरह सारे ये लोग कंडक्ट कराएंगे। तो एक एक करके हम थोड़ा सा सिलेबस वगैरह के बारे में भी आपको बता देते हैं, जो कि आपके काम के हो सकते हैं। अगर आप इसमें आपके रिटर्न एग्जाम, एडेबिलिटी टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं, तो आपको जो है ना ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग जो है ना 20 सालों की आपकी ये नौकरी रहने वाली, 57 साल तक आप काम कर पाएंगे भारतीय वायुसेना में, तो इस तरह आपकी रहने वाली। जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो आपकी 14,600 रुपये मंथली पे मिली, जब आप पूरी आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपकी करीब करीब 27,000 रुपये पर महीने की आपकी सैलरी इसमें हो जाएगी, ठीक है। और आपके में जो मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, राशन मिलता है, क्लॉथिंग मिलती है, ठीक है, कैंटीन वगैरह जो भी मिलता है आपको, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और थोड़ा सा और आपको नीचे बता देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले आपका रिटन टेस्ट वगैरह ये लोग कंडक्ट कराएंगे, लेकिन इसमें ये बात कही गई है, वहाँ पर आप चले जाएंगे, एक एक करके ये सारी चीज़ें आपसे करा ली जाएंगी, वो खुद आपको बताते रहते हैं, अब आपका ये होने वाला, अब आपका फिजिकल होने वाला, अब आपका मेडिकल होने वाला, अब आपका क्या चीज़ होने वाली, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने काफ़ी चीज़ें इसमें देख ली। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा सिक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको बता दूं कि आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा उसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी और 6.5 सेकेंड में आपको निकालना होगा, और 10 सिटअप होंगी, 20 स्क्वाट होंगी और 10 पुशअप करनी होंगी, ठीक। और अपना जो है ना जूते वगैरह और आपका ट्रैक सूट वगैरह जो भी है आप लेके जाइएगा। इसके बाद रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। फिर इसके बाद हम आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपका जो है ना एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो बस आपका काम पक्का, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, द प्रोविजन सिलेक्टेड लिस्ट विल बी डिस्प्लेड, आपको बैरकपुर में ही ये लिस्ट लगाई जाएगी, ठीक है। और इन्होंने डेट भी दे रखी है 31 अक्टूबर को, आप इसे जाके देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके बारे में, एंड डिस्प्लेज विल बी ऑल्सो सेंड टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ बैरकपुर वेस्ट बंगाल, और वहाँ पर भी जो है ना आपको दिखाई जाएगी, जो DM होते हैं बैरकपुर के, वहाँ पर भी ये लिस्ट आपके जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उसकी लगी, और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो हमने मोस्टली चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। आपकी कैसा क्या होने वाला है, रैली भर्ती है मोस्टली, तो आप समझते हैं रैली भर्ती कैसी होती है, तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि कैसे आप एडमिट कार्ड भरो, कैसे फॉर्म भरो, बहुत सारी दिक्कत होती है, कब क्या होगा, रिटर्न हो गया, आप सेकेंड टेस्ट कब होगा, कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार वहाँ पहुँच जाओ, सारे काम ऑटोमेटिक आपके होने लगते हैं, ठीक है। तो और हाँ, एग्ज़ाम वगैरह की आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक रैली भर्ती में भी कंपटीशन हो जाता है, आपका रिटर्न एग्जाम अच्छा होना चाहिए। और दौड़ तो मान लो 1600 मीटर है, बच्चे लगा ही लेते हैं, लेकिन रनिंग की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, तो आप रनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, और हाँ, जो बच्चे मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, जो ज़िले बताए हैं, बस उसी ज़िले के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम।